Hello everyone, Jai Hind, my name is Hamza Hasni and I welcome all of you to your channel, The Hind Guru Academy and Study Point. Reasoning में coding decoding कर रहे थे हम practice और अब हम आ गए हैं expert exercise की तरफ. चलिए देखते हैं कि expert exercise में किस तरह के questions हैं. वैसे बहुत tough है नहीं, इसमें बहुत tough questions आ भी नहीं सकते हैं. बस question पढ़ करके mind set करना है कि क्या है. अच्छा ये तो देखिए और भी ज़्यादा आसान है. Direction क्या है? चलिए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का ये डायरेक्शन है. स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट. भाई नीचे इंफॉर्मेशन तो जो दी गई है उसे ठीक से पढ़ना है और उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स देने हैं. ठीक है, IBPS क्लब 2012 का ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो एग्जाम से लिया गया क्वेश्चन है, ऐसे ही अपने मन से बनाया गया नहीं है. डिजिट्स इन द नंबर आर टू बी कोडेड एज फॉलोज. डिजिट्स दे दिया गया है ना, और उनको कोड किया गया है इससे. तो 9 को बी, 2 को वी, 1 को एम, 7 को एल, 5 को डी, 3 को पी, 6 को ए, 4 को एफ और 8 को आर. ये इन्होंने कोड किया. ठीक है, अब कंडीशंस भी दी गई हैं. तो कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन है इफ द फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट डिजिट्स आर इवन, बोथ आर टू बी कोडेड, बोथ आर टू द कोडेड बाय द कोड फॉर द फर्स्ट डिजिट. टू बी होगा यहाँ पर, ये टाइपिंग एरर है. ठीक है, क्योंकि मुझे इंग्लिश का भी अच्छा ज्ञान है, इसीलिए देखो मैंने फ्लो में जब पढ़ा ना तो टू बी कोडेड पढ़ा. टू द कोडेड कोई सेंस ही नहीं है ना. आर टू बी कोडेड बाय द कोड फॉर द फर्स्ट डिजिट. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि अगर पहली और आखिरी दोनों डिजिट, फर्स्ट एंड लास्ट दोनों डिजिट्स अगर आपकी इवन है, दोनों डिजिट्स इवन है, तो क्या होगा, दोनों को हमें कोड करना है फर्स्ट डिजिट से. ठीक है, दोनों को फर्स्ट डिजिट से कोड करना है. ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा कि मान लीजिए जैसे यहां पर ऑड है ना, अगर यहाँ इवन होता, मान लीजिए कोई ऐसी गिनती होती 2, 6, 9, 5, 4, 8 ऐसे कुछ होता है ना, तो दोनों डिजिट्स ये इवन होती, तो दोनों डिजिट्स जो इवन होती तो हम क्या करते हैं कि दोनों डिजिट का जो कोड बनाते हैं वो फर्स्ट डिजिट वाला ही कोड बनाते हैं. यानी यहां भी वी करते हैं और यहां भी वी करते हैं. ये इनकी कंडीशन है. देखिए कितनी जबरदस्त कंडीशन है. दूसरी कंडीशन दूसरी कंडीशन क्या है? इफ द फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट डिजिट्स आर ऑड, बोथ आर टू बी कोडेड बाय द कोड फॉर द लास्ट डिजिट. तो आप क्या कह रहे हैं, अगर फर्स्ट और लास्ट डिजिट ऑड है, ठीक है, तो दोनों को हमें कैसे कोड करना है, जो लास्ट डिजिट का कोड है उससे. जैसे ये कंडीशन मिल रही है ना, ये वाली, इसमें पहली और आखिरी दोनों ही ऑड है, दोनों ऑड है, तो हमें इसका जो कोड है यही फर्स्ट और लास्ट रखना है. तो इसका कोड क्या है, 3 का P है. 3 का कोड क्या है भाई, P है. यानी हमें पहले और लास्ट दोनों में P रखना है. तो वैसे ही कंडीशन देखते ही आंसर मिल जाएगा. ठीक है, क्या आंसर यहाँ पर A होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर D आ गया जो कि फर्स्ट का है, नहीं रखना है, है ना. यहाँ पर भी D है, यहाँ पर डी है ना, तो नहीं रखना है हमें. पहला और आखिरी दोनों कंडीशन क्या रखनी है भाई, दोनों मतलब अगर दोनों ऑड है तो दोनों को लास्ट डिजिट वाला कोड करना है. तो ये बहुत ही जबरदस्त टाइप का क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है ना. कंफ्यूज कहाँ करेगा, कंडीशन पर. अच्छा ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी कंडीशंस दी जाए ना तो पहले कंडीशन पर फोकस करिएगा, पहले यहां मत पहुंच जाइएगा. कंडीशन देखिएगा कि क्वेश्चन में कंडीशन है या नहीं है और फटाफट आंसर मिलेगा. हमने यहाँ सारे लेटर्स की कोडिंग नहीं की, हमने यहाँ टाइम वेस्ट नहीं किया, हमने सिर्फ कंडीशन को पकड़ा और फट से आंसर निकल आया, है ना. यही करना है, टाइम बचाना है. कंडीशन पकड़ा भाई, पहला और लास्ट डिजिट अगर ऑड है तो हमें पहला और लास्ट डिजिट ऑड मिल गया, तो हमें क्या करना है, लास्ट वाले के अकॉर्डिंग कोड करना है. लास्ट वाले का कोड हमने पढ़ा पी है, यानी पहले भी पी होना चाहिए, आखिर में भी पी होना चाहिए. ऐसा हमें ऑप्शन ए में ही मिला, बी में डी डी मिल रहा है तो बिल्कुल गलत हो गया, सी में एक जगह पी एक जगह डी गलत हो गया, और डी में एक जगह डी एक जगह पी गलत हो गया, है ना. तो ये हमें कंडीशन ही पकड़नी है. ठीक, चलिए अब इसी कंडीशन को पकड़ते हुए
हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। मैं छोटा कर दे रहा हूं इसको ताकि क्वेश्चन और कोड एक साथ दिखे। चलिए अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम टेकिंग हो गया। कैसे हो गया? 627851 है तो हमें पूरा ना देखते हुए सबसे पहले कंडीशन के लिए पहला और आखिरी देखना चाहिए। तो पहला और आखिरी देखा तो ये तो इवन हो गया, ये ऑड हो गया। अब यहां दोनों ही कंडीशंस फॉलो नहीं हुई। कंडीशन क्या थी? दोनों अगर इवन होंगे तब हम ऐसा करेंगे कि फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग करेंगे, दोनों अगर ऑड होंगे तब हम ऐसा करेंगे कि लास्ट वाले के अकॉर्डिंग करेंगे। यहां दोनों इवन दोनों ऑड नहीं है, एक इवन एक ऑड है। इसका मतलब हमें पूरे के लिए कोडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम देख लें। सिक्स के लिए ए आ रहा है तो यहां पर ए, तो ये तो पहले कट गया। ठीक है, सी बी डी मतलब बी सी डी ये ऑप्शन बचे। फिर टू के लिए क्या है, यहां पर देख लीजिए, टू के लिए वी है, टू के लिए वी है तो दूसरे ऑप्शन में सब में वी है। अच्छा, अब देखो ये तो कट ही गया, इसको हटा दो। अब यहां पर आप देखो दूसरा और तीसरा ऑप्शन सेम है, चौथे से बदल रहा है, तो दूसरा तीसरा देखने की जरूरत ही नहीं है, चौथे से देखो। तो चौथा ऑप्शन हमारा आठ, नंबर आठ है, एट है, एट के लिए आर है, तो आप देख लो आर कहां दिया गया, चौथे में, तो ये कट गया आर, यहां चौथे में ये दिया है आर। ठीक है, तो डी आंसर हो गया। फिर भी आप पूरा देखना चाह रहे हैं, अपने हिसाब से करना चाह रहे हैं, कर लीजिए। आप देख लेंगे भाई, ए मिलेगा सिक्स के लिए, ठीक है, और टू के लिए हमें बी मिलेगा, सेवन के लिए हमें एल मिलेगा, एट के लिए हमें आर मिलेगा, ठीक है, और फाइव के लिए हमें डी मिल रहा है, डी, और वन के लिए हमें एम मिल रहा है। आप पूरा भी करके देखना चाहे तो कर ले। वैसे रीजनिंग में क्या है, टाइम जितना बचा सके, है ना, तो टाइम बचाने के फंडा यही है कि भाई पहला ऑप्शन तो हमारा देखते ही ये कट गया, फिर दूसरा तीसरा, और दूसरा तीसरा सेम था तो उसे देखने की जरूरत ही नहीं थी, चौथा अलग हो रहा था, यहाँ एफ था, यहाँ डी था, यहाँ आर था, चौथा पकड़ लीजिए, चौथा जैसे ही मिला आर, बाकी ऑप्शन अपने आप कट गए, है ना, पहुंच गए आप डी आंसर, है ना, ऐसे होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, पहली और आखिरी डिजिट देखा, दोनों इवन है, है ना, तो जब दोनों डिजिट्स इवन है तो हमारी कंडीशन क्या है कि अगर दोनों डिजिट्स इवन होगी, फर्स्ट और लास्ट इवन होगी, तो हम फर्स्ट वाले जो है नंबर उसके अकॉर्डिंग कोड करेंगे। तो एट का कोड है आर, है ना, तो हमारा पहला और आखिरी आर होना चाहिए। कट गया ये भी कट गया, आंसर ये आ गया। लो, कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है, कंडीशन से ही आंसर निकल आया। फिर भी आपका मन है पूरा करने का, पूरा देखने का, तो देख लीजिए भाई, एट के लिए आर आ गया, वन के लिए देखिए एम आ रहा है ना, टू के लिए देखिए वी आ रहा है, राइट, थ्री के लिए पी आ रहा है ना, और फाइव के लिए डी आ रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग, अच्छा यहां पर कंफ्यूज आप ऐसे हो सकते थे कि यहां पर देखिए लास्ट के अकॉर्डिंग किया है कोडिंग, है ना, तो आपको ये भी याद रखना है कि इवन है कि ऑड है, इवन है तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग करना है, ऑड है तो लास्ट के अकॉर्डिंग, ठीक। चलिए, इवन ऑड तो पता ही होगा, इवन जो दो से मल्टीप्लाई हो जाए या दो से डिवाइड हो जाए, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड हो जाए दो से, और ऑड जो दो से टू से डिवाइड ना हो, ठीक है, तो टू के मल्टीपल में जितने भी आते हैं, टू से टू के टेबल में जितने भी आएंगे, है ना, वो सब आपके क्या होंगे, वो सब इवन होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। सबसे पहले पहला और आखिरी डिजिट देखेंगे, तो पहला और आखिरी डिजिट देखा तो ये मिल गया ऑड, ये मिल गया इवन, यानी दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। अब इनका हमें क्या करना है, अलग से पूरी कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले थ्री का तो पी हमने देख लिया कि थ्री का पी है ना, तो यानी ये हट गए, इनको हटा ही दिया जाए। जैसे ये हटे तो अब देखिए हम दूसरे का देख लेते हैं, दूसरा हमारा नाइन, नाइन का बी है तो नाइन का बी है तो ये हट गए, अब बचे ये और ये। अब इनका तीसरा और चौथा लेटर सेम है तो देखने की जरूरत नहीं, पांचवा भी सेम है देखने की जरूरत नहीं है, आखिरी देखने की जरूरत है हमें, है ना, तो आखिरी हमारा क्या है यहाँ पर सिक्स, सिक्स का ए है तो आंसर डी आ गया, ये भी हट गया, है तो सिंपली क्लियर।
क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं इसी तरह से। अब क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, कह रहा 7341। अब देखिए यहां पर भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि ये हो गया ऑड, ये हो गया इवन, दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, अलग से कोडिंग करना पड़ेगा। सेवन के लिए एल मिल रहा है तो ये पहले ही हट गए बचे ये, है ना। अब इन सब में सेकेंड वाला सेम है, सेकेंड देखने की जरूरत नहीं है, थर्ड देखने की जरूरत है। तो थर्ड डिजिट हमारा फोर है, फोर का एफ, तो थर्ड डिजिट में एफ कहाँ आ रहा है, इसमें और इसमें आ रहा है, तो ये भी हट गए, है ना। अब इसमें आप देखेंगे फिफ्थ डिजिट भी सेम है, देखने की जरूरत नहीं है। सिक्स देखने की जरूरत है, सिक्स देखते ही आंसर आ जाएगा। तो नाइन जैसे ही आपने देखा बी, तो नाइन्थ का बी आपको यहाँ पर मिल गया है ना, तो यही आंसर है। फिर आप टू का बी भी देखना चाहें देख सकते हैं, राइट। तो ऐसे आंसर आ जाता है। तो जल्दी जल्दी कैसे करना है, इस तरह, ठीक है। यही सारे ट्रिक्स आपको यूज करना है, जितना ज्यादा दिमाग यूज करेंगे उतना अच्छा, उतनी जल्दी जल्दी आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो ये तो हमारा फर्स्ट से फाइव तक का डायरेक्शन था, और हमने फर्स्ट से फाइव तक कर लिया है ना। आगे बढ़ते हैं, ओके। अब देखिए सिक्स से लेकर टेन तक के लिए यहां पर क्या है, पहले हम डायरेक्शन पढ़ लें। सिक्स से लेकर टेन तक के लिए इसको और बड़ा कर लेते हैं, ठीक। सिक्स से टेन तक का है कि इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो, गिवन अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स फॉलोड बाय फोर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स और सिंबल्स नंबर ए बी सी एंड डी, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ द कॉम्बिनेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ द डिजिट्स बेस्ड ऑन द कोडिंग सिस्टम एंड द कंडीशंस गिवन बिलो। मार्क द नंबर ऑफ द कॉम्बिनेशंस एंड योर आंसर, कॉम्बिनेशन एज योर आंसर। इफ नन ऑफ द कॉम्बिनेशंस करेक्टली रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ डिजिट और मार्क, एड्रेस नन ऑफ दीज एज योर आंसर। चलो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अब इनके ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ऑलमोस्ट सेम वही चीज है। आपको इनके लिए मार्क्स या नंबर्स या लेटर्स कोडिंग जो दी गई है यहाँ पर कंडीशन, और इसके अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग आपको वो चारों में से एक आंसर सही करना है, ठीक है। डायरेक्शन बड़ा लंबा चौड़ा है, इसका निष्कर्ष यही है कि भाई यहाँ पर जो कोडिंग दी गई है, डिजिट्स दिए गए, लेटर सिंबल दिए गए, उनके आधार पर, उन पर बेस करके और कंडीशंस पर बेस करके आपको आंसर देना है, ठीक। चलिए इसको और छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये साथ में देखना पड़ेगा, है ना। ओके जस्ट मोमेंट, लेट मी एडजस्ट इट। चलिए तो देखिए क्या कह रहे हैं, डिजिट्स इन्होंने दे रखी है ना, फाइव का पी डिजिट और इसका जो लेटर सिंबल है, फाइव का पी है, वन का ए है, थ्री का के है, फोर का परसेंटेज है, नाइन का आर है, सिक्स का एट द रेट है, डी का एट का डी है, सेकंड का ये सी यानी कॉल, मतलब इसका जो है सिंबल है, और सेवन का एम है, ठीक है। इफ द फर्स्ट डिजिट इज ऑड एंड द लास्ट डिजिट इज इवन, द कोड्स फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट्स आर टू बी रिवर्स्ड। देखो यहां कंडीशन कितनी घुमा दी, कह रहे हैं अगर पहला डिजिट ऑड है, ठीक है, पहला डिजिट ऑड है और लास्ट डिजिट इवन है, पहला डिजिट ऑड है लास्ट डिजिट इवन है, तो कोड जो है पहले और आखिरी डिजिट की उसको हम रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट्स आर इवन, बोथ आर टू बी कोडेड एज स्टार्स। तो अगर पहली और आखिरी डिजिट इवन है तो उसको दोनों को हम स्टार बनाएंगे, ठीक है। इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट्स आर ऑड, बोथ आर टू बी कोडेड एज डॉलर, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट दोनों डिजिट्स अगर ऑड है तो दोनों को हम डॉलर बनाएंगे। ये तो हो गई हमारी कंडीशन, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस के लिए कंडीशन हमें बार बार देखनी पड़ेगी, चलो कोई नहीं। तो रीजनिंग के लिए क्या होता है ना कि एक पेज ऐसे करके सामने रखना पड़ता है। चलिए देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या है,
पहले क्वेश्चन में हमें सबसे पहले हमें कंडीशन देखनी होती है। कंडीशन जब आप देखेंगे तो पहला लेटर हमारा इवन है, पहला नंबर इवन है, आखिरी नंबर ऑड है। तो यहां पर क्या कहा गया पहले समझिएगा, कह रहे हैं अगर फर्स्ट डिजिट ऑड है और लास्ट डिजिट इवन है ना, तो यहाँ फर्स्ट डिजिट ऑड नहीं है, लास्ट डिजिट इवन नहीं है, तो ये कंडीशन यहाँ पर नहीं आई। सेकंड कंडीशन क्या है, फर्स्ट और लास्ट डिजिट दोनों इवन है, तो यहाँ दोनों भी इवन नहीं है, तो ये भी कंडीशन नहीं आई, है ना। फर्स्ट और लास्ट डिजिट दोनों ऑड है, तो यहाँ दोनों ऑड भी नहीं है, तो यहाँ तीनों कंडीशन नहीं आई। इस क्वेश्चन में तीनों कंडीशन नहीं आ रही, ठीक है, तो तीनों कंडीशन नहीं आ रही, तो इसका मतलब हमें इसको डायरेक्ट कोट करना पड़ेगा। डायरेक्ट कोट किया हमने तो क्या हुआ, देखिए सेकंड के लिए यहां पर क्या, टू के लिए पहले ही आंसर मिल गया, लो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, आंसर इज टी, कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही हमारा टू है, टू की कोडिंग ये है, कंडीशन यहां पर कोई भी नहीं आ रही है, आंसर मिल गया डी, है ना इजी। तो ऑल इन ऑल आपको क्या करना है, पहले तो कंडीशन देख लेनी है, अगर कंडीशन मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो बस फटाफट आप कोडिंग पे कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखना है और कंडीशन को भी माइंड में रखना है, ठीक है। चलिए तो यहां पर क्या हो रहा है, पहली डिजिट हमारी इवन है और आखिरी डिजिट भी इवन है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि अगर फर्स्ट और लास्ट डिजिट इवन है तो दोनों को हम स्टार बना देंगे, ये कंडीशन है, कहीं देखने की जरूरत नहीं, आंसर सी, ठीक है। लेकिन एक बात और है, क्योंकि ऑप्शन नन ऑफ दीज भी है, इसलिए बिल्कुल फट से तुक्का मत मार दीजिएगा कि बस ये देखा और मार दिया, एक आध तो कोडिंग भी करके देख लीजिएगा कि हो रही कि नहीं हो रही। अब जैसे टू का तो हमें याद ही है ये है ना, तो हम और देख लें, पता चला नन ऑफ दीज आंसर आ रहा है, फटाक से कर दिया। अगर ऑप्शन नन ऑफ दीज का नहीं होता तब तो हम इसे फट से कर लेते, लेकिन नन ऑफ दीज है ऑप्शन, तो इसलिए खतरा बन जाता है, इसलिए कोडिंग देख लेना चाहिए ऊपर, है ना। तो कोडिंग जब हम देखते हैं यहाँ पर, देखो इसको और छोटा ही करना पड़ेगा, नहीं हो पाएगा एडजस्ट, कोडिंग जब देखेंगे तो 7 का हमें M मिलना चाहिए, मिल गया, 1 का A मिल गया और 2 का C मिल गया और इसके बाद क्या 5 का P मिल गया, ठीक है। तो C इज द राइट आंसर, तो वैसे तो एक झटके में आंसर आ गया, लेकिन भाई नन ऑफ दीज की वजह से हमें कोडिंग भी देखना पड़ जाएगा, नहीं देखेंगे तो गलत हो सकता है ना। चलिए अब अगली कंडीशन देखते हैं, पहला लेटर यहाँ क्या हो गया, इवन हो गया पहला नंबर, आखिरी नंबर क्या हो गया, ऑड हो गया, तो क्या इसके लिए कोई कंडीशन है। मेरे पास कुछ ऐसा होता कि मैं ये और ये एक साथ देख पाता, बट अगर मैं इसको एक साथ देखूंगा तो आपको एक साथ नहीं दिखा पाऊंगा, है ना बोट। चलिए वापस ही जाना पड़ेगा, बुक में तो देख सकते थे। तो कंडीशन हमने क्या देखी यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, पहला इवन आखिरी ऑड, तो ऐसा कुछ है यहाँ पर, फर्स्ट डिजिट इज ऑड, तो फर्स्ट डिजिट ऑड नहीं है यहाँ पर, है ना, तो ये कंडीशन नहीं बन रही है। और ऐसी कोई कंडीशन है नहीं दूसरी तीसरी में जहां पहला इवन और आखिरी ऑड या पहला ऑड आखिरी इवन ऐसा कुछ हो, है ना। तो बस सिर्फ यही एक है जिसमें फर्स्ट डिजिट को ऑड मांग रहा है, तो यहाँ फर्स्ट डिजिट ऑड नहीं है, फर्स्ट डिजिट इवन है ना, तो यहाँ पर कंडीशन अप्लाई नहीं होंगी, कंडीशन नहीं अप्लाई होंगी तो डायरेक्ट कोडिंग होगी, डायरेक्ट कोडिंग होगी तो क्या होगा, 813 की कोडिंग चलिए देख लेते हैं फटाफट। तो 8 की कोडिंग है डी डी ए के, देखिए डी ए के कहाँ मिल रहा है यहाँ पर, डी ए के, चलो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आंसर मिल गया डी ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला यहां पर डिजिट क्या है, ऑड है, लास्ट डिजिट भी ऑड है, तो फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑड है ना,
चलिए, अब फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट अगर ऑड है तो हमें क्या करना होगा? लेट अस सी, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट्स अगर ऑड है तो हमारी कंडीशन क्या कह रही है? इफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट्स आर ऑड, बोथ आर टू बी कोडेड एज डॉलर। तो हमें जब दोनों डिजिट्स यहां ऑड मिल गई तो हमारा पहला और आखिरी सिंबल डॉलर होना चाहिए, ठीक है? तो हमें आंसर ऐसे ही मिल गया। फिर भी अगर देखना चाहें कोडिंग करके देख लीजिएगा, है ना? चलिए, इजी है, कंडीशन पर फोकस करते हुए करेंगे तो इजी है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। तो यहां पर क्या है भाई, पहला आपका ऑड है और आखिरी आपका इवन है। अब हमें मिल गई पहली वाली कंडीशन, ठीक है? तो पहली वाली कंडीशन क्या कह रही थी, अगर नहीं याद है तो देख लीजिए। वैसे तो मुझे याद है, कह रहा था अगर पहला इवन, पहला ऑड और आखिरी इवन हो तो हमें रिवर्स कर देना है उनकी कोड्स को। यही है ना, फर्स्ट डिजिट इज ऑड एंड द लास्ट डिजिट इज इवन, द कोड फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर टू बी रिवर्स, ठीक है? ये कह रहा है ना, तो यानी कि हमारा यहाँ पर पहला ऑड है, आखिरी इवन है, तो 5 और 6 की वैल्यू देख लें और उनको बदल दें, है ना? तो पहले 5 और 6 की वैल्यू यहाँ पर देखें क्या है, क्या निकल रहा है 5 और 6 का कोड। तो 5 का P निकल रहा है, 6 का @ निकल रहा है। तो यानी हमें पहले @ करना है और लास्ट में P करना है। रिवर्स का मतलब यही हुआ, है ना? तो यहां पर जब हम देखेंगे तो भाई ये जो 5 है और ये जो 6 है, ठीक है? तो 5 का हमारा P निकल रहा था और 6 का @ निकल रहा था, ये निकल रहा था। तो हम अदला बदली कर देंगे, एक बार फिर से देख लो, कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, है ना? तो ये जल्दी से मूव क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, 5 का P 6 का @, ठीक। तो 5 का P 6 का @ है, उसको हमने अदला बदली किया। इसका P है, इसका @ है, अदला बदली करेंगे, रिवर्स करेंगे जब पहला ऑड और आखिरी इवन हो। तो रिवर्स किया तो पहले @ लास्ट में P। तो अब देखिए ये दोनों ऑप्शन तो कट गए वैसे ही, ठीक है? बचा ये और ये। तो ये दोनों ऑप्शंस में आप सिर्फ सेकेंड ही लेटर का निकाल लेंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना, सेकेंड ही नंबर का। तो सेकेंड नंबर की कोडिंग क्या है, चलिए एक बार देख लेते हैं फटाक से। 9 की कोडिंग क्या है, 914 की आप देख सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ 9 की देख लीजिए तो भी आंसर निकल जाएगा। आर है, तो RA% है ना? तो भाई कहाँ गए तुम, जल्दी से आओ, ये है ना? तो RA% ये है, दिस इज द आंसर, ठीक? ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा आपको बस ध्यान रखना है। कोडिंग डिकोडिंग पूरी तरह से ध्यान रखने पर है, कंडीशंस पढ़िए, कोडिंग पढ़िए, बस यही पूरा का पूरा खेल है, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे के पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस तरह से करने में थोड़ा सा आई थिंक वो भी हो रहा है, इश्यू आ रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये जो कंडीशंस और कोडिंग दी गई है ये एक पेज पर हो और क्वेश्चंस दूसरे पेज पर हो, तो हम बार बार देख सकें, है ना? तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।